आइसक्रीम के साथ सर्व करिए, वनीला आइसक्रीम के साथ मैं सर्व कर रही हूँ। अगर आपको वनीला पसंद नहीं है, मैंगो है, तो आप उस मैंगो के साथ सर्व कर सकते हैं। बिल्कुल शादी खान में हम जिस तरह खाते हैं माशाल्लाह उसी तरह बहुत जायकेदार है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माई चैनल। आज मैं बताना चाह रही हूँ क्रीमी मिक्स फ्रूट का मीठा जो हैदराबादी शादियों में बनाते हैं। हर दिल लजीज है ये मीठा। अब इसके लिए हमको चूल्हे के और फ्लेम की कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बैठ के इसको आराम से आप बना सकते हैं, सिर्फ असेंबल करना है। चलिए जल्दी से इसको स्टार्ट करेंगे। इसके लिए मैं ली मिक्स फ्रेश अमूल क्रीम है ये 1 लीटर की, और ये है फ्रूट कॉकटेल, यह है 450 ग्राम का डब्बा मिक्स फ्रूट वाला। कोई भी किराना शॉप पे, जनरल स्टोर पे आपको आसानी से ये मिल जाता। इसके मैं 2 डब्बे लिए और ये टिन इसकी पैक रहती, मैं इसको कट कर ली। इसके लिए 4 बड़े साइज के सेब और मिल्क मेट ली 400 ग्राम। सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंग्रेडिएंट्स इसके लिख दूँगी, आप देख कर भी वहाँ से बना सकते हैं। मिल्क मेड और ड्राई फ्रूट में बादाम, काजू, किशमिश, अंजीर और पिस्ता है, चेरीज है। सबसे पहले एक छन्नी में, मिक्स फ्रूट को एक छन्नी में डाल देंगे। इसका जो सिरप है इसको निकाल देना। और दूसरा, अब इसका जो पानी है इसको फेंक देंगे। और ये जो फ्रूट है इसमें जाबास पीसेस बड़े बड़े हैं, तो इसको छोटे कर सकते हैं, इसके दो हिस्से कर सकते हैं। बड़े बड़े जो पीसेस छुटे हुए हैं इसमें, इसको दो दो पीसेस करेंगे। अगर आप इस तरह से डालना चाहें तो इस तरह से भी डाल सकते हैं। सारे पीसेस को मैं छोटे कर ली। अब ठंडा पानी इसके ऊपर से डालेंगे। अब इसको साइड में रख देंगे। सबसे पहले अब हम एक बड़ा बर्तन, खुला बर्तन लेंगे और इसमें अमूल क्रीम डालेंगे। थोड़ी देर इसको विस्क की मदद से व्हिप कर देंगे। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाए तो नीचे बर्फ रखना, बर्फ के ऊपर ये रख के अगर आप इसको व्हिप करेंगे तो ये फ्लफी हो जाएंगे। थोड़ी क्वांटिटी में बनाए तो ये सारे चीज़ें बना के फ्रिज में थोड़ी देर रख लेना, रखना ठंडा होना। ठंडा होने के बाद अच्छा फ्लफी रहता है, जो क्रीमी जो रहता, ठंडा होने के बाद अब इसमें हम कंडेंस मिल्क डालेंगे। कंडेंस मिल्क डालने के बाद एक बार इसको अच्छे से मिला लेंगे, मिला के इसमें टेस्ट कर लेंगे। शक्कर की क्वांटिटी डालना है, टेस्ट करके डालना। कंडेंस मिल्क पहले मीठा रहता, कंडेंस मिल्क डालने का टेस्ट के लिए मीठा है, थोड़ी सी शक्कर की ज़रूरत है। टेस्ट करके आप अपने हिसाब से डाल दें। अब इसको शक्कर को अच्छे से घुला लेंगे, शक्कर को अच्छे से घुला लें। अब सेब काट के डायरेक्ट सेब का छिलका निकालेंगे और डायरेक्ट इसमें सेब को चॉप करके डालेंगे। बड़े पीसेस नहीं करना, चॉप करेंगे। डायरेक्ट इसमें डालने से क्या होता, सेब काला नहीं पड़ता। सेब का छिलका निकालने के बाद इसमें डायरेक्ट सेब को कट करेंगे। सारे सेबों को हम इसी तरह से कट कर लेंगे, इसमें कट कर ली। अब जो घर में दूध के ऊपर की जो क्रीम रहती है वो क्रीम भी इसमें मिक्स कर देंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। और जो अमूल की क्रीम को हम बना रहे हैं, पहले ठंडे होने फ्रिज में रख देना। अब इसका पानी फेंक दिया और छन्नी में रखी थी ये फ्रूट, मिक्स फ्रूट भी डाल देंगे। अब उसको अच्छे से मिला लेंगे।
अब इसमें ड्राई फ्रूट डालेंगे, आधे ड्राई फ्रूट अब डाल देंगे और आधे जब सर्व करते वक्त डालेंगे। आधे ड्राई फ्रूट जब हम सर्व करते हैं जब उसके ऊपर से डालेंगे। अब इसको 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। फ्रिज में रखने के बाद मैं आपको बताऊंगी ये जो है गाढ़ी भी हो जाती है इसकी क्रीम, और किस तरह असेंबल कर सकते हैं वो बताऊंगी सर्व करते वक्त। तीन से चार घंटे में फ्रिज में रखी और ये माशाल्लाह गाढ़ा हो गया, और जायका इसका बिल्कुल हैदराबादी शादियों में जो हम खाते सेम उसी तरह इसका टेस्ट है। इसमें बहुत इसमें कुछ भी मेहनत नहीं है, आसानी के साथ बनने वाला और माशाल्लाह जायका ज़बरदस्त है। आप फ्रीज़र में अगर जल्दी होना है तो थोड़ी देर फ्रीज़र में रख के थोड़ी देर फ्रिज में रख देना। चलिए इसको डिश आउट करेंगे। इसके ऊपर से जो ड्राई फ्रूट हम रखे लिए थे वो डालेंगे। माशाल्लाह ये बिल्कुल आसान तरीके से बनने वाला और जायका भी इसका ज़बरदस्त है और हेल्दी। काजू है, बादाम है, पिस्ता है और अंजीर है। और ये आइसक्रीम जब सर्व करते वक्त जब आप खिलाना रहता जब वही टाइम पे आइसक्रीम डालना, पहले का पहले डालेंगे तो मेल्ट हो जाता। थोड़े से चेरीज, चलिए क्रीम मिक्स फ्रूट की का मीठे की रेसिपी मेरी मुकम्मल हो चुकी है। आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। हैदराबादी शादियों में बनने वाला क्रीमी मिक्स फ्रूट का मीठा तैयार है। ज़रूर वीडियो देखिए और बनाइए, जायका इसका ज़बरदस्त है। जिस तरह हम दावतों में खाते उसी तरह से।